नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप कुमार। दोस्तों, मगध यूनिवर्सिटी सहित बिहार के लगभग सभी यूनिवर्सिटीज़, एक दो यूनिवर्सिटी को अगर हम छोड़ दें तो लगभग सभी यूनिवर्सिटी का ग्रेजुएशन और पीजी का सेशन बहुत लेट चल रहा है, और 3 साल का ग्रेजुएशन 4 साल 5 साल में भी पूरा नहीं हो पा रहा है। आप मगध यूनिवर्सिटी को देख लीजिए कि 17-20 सेशन जिनका था, उन हज़ारों स्टूडेंट्स का रिजल्ट अभी भी पेंडिंग है। 18-21 सेशन का जून 2021 में ग्रेजुएशन पूरा हो जाना चाहिए था, लेकिन अक्टूबर 2021 में पार्ट टू की परीक्षा हुई, वो भी OMR सीट पे हुई, और 6 महीना बाद भी अभी तक रिजल्ट नहीं आया है। जबकि जून 2021 में उनका ग्रेजुएशन पूरा हो जाना चाहिए, लेकिन अभी पार्ट टू का रिजल्ट भी नहीं आया है, और 6 महीना पहले परीक्षा हुई थी OMR सीट पे। 19-22 सेशन का भी सेशन लेट चल रहा है, उनका भी अभी कोई ठिकाना नहीं है कि कब उनका ग्रेजुएशन होगा। मगध यूनिवर्सिटी के 2020-23 सेशन का अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, जबकि 20-23 सेशन का अभी पार्ट टू की परीक्षा हो जानी चाहिए, लेकिन अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ। यानी कि अब रजिस्ट्रेशन कब होता है, उसके बाद पार्ट वन का परीक्षा फॉर्म भरा जाएगा, उसके बाद पार्ट वन की परीक्षा होगी, जबकि अभी पार्ट टू की परीक्षा हो जानी चाहिए, लेकिन अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है। तो आप देख रहे हैं कि मगध यूनिवर्सिटी में लाखों स्टूडेंट्स का भविष्य जो है बर्बाद किया जा रहा है, और इसके लिए मगध यूनिवर्सिटी प्रशासन, मगध यूनिवर्सिटी के VC और सरकार, बिहार सरकार जिम्मेवार है। आप देखिए कि मगध यूनिवर्सिटी के इन तमाम सेशन को अगर हम मिला दें एक साथ, तो लगभग 3.5 से 4 लाख स्टूडेंट्स हैं जिनका कि ग्रेजुएशन हो जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक किसी का रिजल्ट नहीं आया है, तो कोई किसी का परीक्षा नहीं हुआ है, और इस कारण जो लाखों स्टूडेंट्स हैं, 3.5 से 4 लाख स्टूडेंट्स हैं, उनका भविष्य खतरे में है, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। और इसके अलावा आप देखिए, मगध यूनिवर्सिटी के अलावा वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी हो, तिलका मांझी यूनिवर्सिटी हो, JP यूनिवर्सिटी हो, बिहार के तमाम यूनिवर्सिटी को ले लीजिए, यहाँ तक कि मिथिला यूनिवर्सिटी का सेशन पहले सही हो गया था, वो भी अभी गड़बड़ चल रहा है। तो एक दो यूनिवर्सिटी को अगर बिहार में हम छोड़ दें तो सभी यूनिवर्सिटी का सेशन लेट चल रहा है, और इसलिए हम लोगों ने बिहार के लाखों स्टूडेंट्स के भविष्य का ख्याल करते हुए, उनके हितों का ख्याल करते हुए, बिहार के सभी यूनिवर्सिटीज़ में ऑपरेशन यूनिवर्सिटीज़ चलाने का निर्णय लिया है। और इस ऑपरेशन यूनिवर्सिटीज़ के तहत हर एक यूनिवर्सिटी में बारी बारी से जाके हम लोग आंदोलन करेंगे, ताकि सेशन सुधार किया जाए, समय पे परीक्षा हो, समय पे रिजल्ट आए। और इसकी शुरुआत हम लोग मगध यूनिवर्सिटी से कर चुके हैं। मगध यूनिवर्सिटी में हम लोग 2 बार आंदोलन किए, 12 अप्रैल को और 27 अप्रैल को, और इसके बाद फिर हम बहुत जल्द हम लोग मगध यूनिवर्सिटी में आंदोलन करने वाले, ताकि मगध यूनिवर्सिटी का सेशन सही हो। मगध यूनिवर्सिटी के बाद फिर हम लोग दूसरे यूनिवर्सिटी में भी बारी बारी से आंदोलन करेंगे, ताकि बिहार के तमाम यूनिवर्सिटीज़ का जो सेशन है वो सही हो। इसके लिए हम लोग ऑपरेशन यूनिवर्सिटीज़ चला रहे हैं। तो आप तमाम छात्र छात्राओं से हम आग्रह कर रहे हैं कि इस मुहिम में, इस आंदोलन में आप लोग हमारा साथ दीजिए, और जो लोग भी साथ देना चाहते हैं, जो लोग भी आंदोलन में शामिल होना चाहते हैं, जो लोग भी चाहते हैं कि 3 साल का ग्रेजुएशन 3 साल में पूरा हो, जो पेंडिंग रिजल्ट है वो जल्द रिजल्ट प्रकाशित हो, जो परीक्षा नहीं हुई वो परीक्षा आयोजित हो, और 3 साल का ग्रेजुएशन 3 साल में हो, 2 साल का PG का कोर्स 2 साल में हो, तो आप सभी हमें फ़ोन करके या व्हाट्सएप पे मैसेज करके बताइए कि आप हमारे मुहिम में साथ देना चाहते हैं, आप हमारे साथ आंदोलन में शामिल होना चाहते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 7282005656। और मगध यूनिवर्सिटी के जो छात्र छात्राएँ हैं, उनसे हम आग्रह कर रहे हैं कि आप लोग जल्द से जल्द हमें फ़ोन करके या व्हाट्सएप पे मैसेज करके बताइए कि आप लोग आंदोलन में शामिल होना चाहते हैं, क्योंकि जब तक हमारे पास छात्र छात्राओं की संख्या नहीं होगी, तो फिर हम आंदोलन जल्द नहीं करने वाले हैं, क्योंकि आंदोलन तभी सफल होता है जब आंदोलन में छात्र छात्राओं की संख्या ज़्यादा हो। तो ये जिम्मेवारी अब आप लोगों पर है, क्योंकि हम आपके लिए आगे बढ़े हैं, हम आपके भविष्य के लिए आगे बढ़े हैं। आपका सेशन सुधार हो जाए यूनिवर्सिटीज़ का, आपका समय पर परीक्षा हो, समय पर रिजल्ट आ जाए, तो इसके लिए हम आपके लिए आगे आए हैं। तो आप लोग को अभी हमारा साथ देना होगा, क्योंकि हमारे पास स्टूडेंट्स की संख्या होगी, ज़्यादा संख्या होगी, तभी सरकार पे असर होगा, यूनिवर्सिटीज़ प्रशासन पे और यूनिवर्सिटी के VC पे प्रभाव पड़ेगा, और जल्द से जल्द आपका रिजल्ट प्रकाशित होगा, और जो परीक्षा नहीं हुई है वो परीक्षा आयोजित होगी। तो जो भी मगध यूनिवर्सिटी के छात्र छात्राएँ हैं, आप लोग भी हमें फ़ोन करके या व्हाट्सएप पर मैसेज करके जल्द से जल्द बताइए कि आप लोग आंदोलन में शामिल होना चाहते हैं। तो जैसे ही हमारे पास संख्या बल हो जाएगा, स्टूडेंट्स का, छात्र छात्राओं की संख्या हो जाएगी, एक जितना हम संख्या चाहते हैं उतना संख्या हो जाएगा, तो जल्द ही हम 4-5 दिन के अंदर ही आंदोलन की तिथि की घोषणा कर दें। अगर दो दिन में ही आप लोग फ़ोन करके इतना संख्या बल जुटा दिए जितना आंदोलन के लिए चाहिए लगभग, तो हम 2 दिन में ही, यानी कि 2 दिन के बाद, 3रे दिन ही आंदोलन की तिथि की घोषणा कर देंगे, और बहुत जल्द मगध यूनिवर्सिटी में आंदोलन करेंगे, और बहुत बड़ा आंदोलन होगा,
जो कि प्रभावी होगा और रिजल्ट देने वाला होगा, यानी कि परिणाम देने वाला होगा। और इन मगध यूनिवर्सिटी के VC को ये घोषणा करना पड़ेगा ऑफिशियली कि कब वो रिजल्ट दे रहे हैं, और जल्द से जल्द रिजल्ट देना पड़ेगा जो रिजल्ट नहीं आया, और जल्द से जल्द परीक्षा लेनी पड़ेगी जो परीक्षा अभी तक नहीं हुई है। तो आप जो लोग भी, जितने भी छात्र छात्रा हैं मगध यूनिवर्सिटी के, चाहे आप जिस कॉलेज के भी छात्र हों, चाहे आप जिस जिला में भी हों, आप सभी कमर कस लीजिए, आप लोग तैयार हो जाइए आंदोलन के लिए। क्योंकि अगर आप घर बैठे रहिएगा तो आपका ग्रेजुएशन 5 साल 7 साल में ही पूरा नहीं होगा। और आप देख रहे हैं कि 8 साल बाद बिहार में सचिवालय सहायक की वैकेंसी आई BSSC CGL 3 की। आगे भी हो सकता है दरोगा बहाली का फॉर्म आ जाए, या सेंट्रल लेवल का, सेंट्रल सरकार का, या किसी और अन्य स्टेट का ग्रेजुएशन लेवल पे जो भी वैकेंसी आएगी आप लोग फॉर्म नहीं भर पाइएगा। और 8-8 साल 10-10 साल के बाद ये वैकेंसी आती है बिहार में, बहुत सारी वैकेंसी। तो आप सोचिए कि आगे भी जो वैकेंसी आएगी वो फिर 10 साल के बाद 7-8 साल के बाद आएगी। तो आप लोग अगर आंदोलन में आते हैं, हमारा साथ देते हैं, तो आपका ग्रेजुएशन पूरा हो जाएगा, तो आप फॉर्म भर पाइएगा। और अभी सचिवालय सहायक का 8 साल बाद फॉर्म आया, आप लोग नहीं भर पाए, जबकि आप में से लाखों स्टूडेंट्स का ग्रेजुएशन 2020 में किन्हीं का 2021 में पूरा हो जाना चाहिए था, 2021 में 2020 में पूरा हो जाना चाहिए था, बहुत सारे स्टूडेंट्स, जो लाखों स्टूडेंट्स हैं। लेकिन मगध यूनिवर्सिटी की लापरवाही के कारण और असंवेदनशीलता के कारण आपका ग्रेजुएशन पूरा नहीं हुआ, जिसके कारण आप जो लाखों छात्र छात्रा हैं फॉर्म नहीं भर पाए। तो इसलिए आप लोग कम से कम अब एकजुट होइए, और जहाँ भी आप हैं, जिस दिन आंदोलन का डेट रखा जाएगा उस डेट पे आप लोग निश्चित रूप से पहुँचिए आंदोलन में, और आप लोगों की जीत होगी, और जल्द से जल्द रिजल्ट भी जारी होगा और सेशन सुधर जाएगा। और अरविंद महिला कॉलेज की जो छात्राएँ हैं, जिनका 17-20 सेशन है, और सैकड़ों स्टूडेंट्स हैं, सैकड़ों छात्राएँ हैं, लड़कियाँ हैं, जिनको कि 1 नंबर 2 नंबर से फेल कर दिया गया जानबूझ कर, तो वो भी एकजुट होइए, हम आपके लिए भी इसमें लड़ रहे हैं। तो जब भी आंदोलन रखा जाएगा आप लोग आइए, और आप लोग फ़ोन करके बताइए, हम आप लोग के लिए 17-20 जो सेशन है मगध यूनिवर्सिटी की जो छात्राएं हैं अरविंद महिला कॉलेज की, जिनको 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर से फेल कर दिया गया, किसी को 5 नंबर से फेल कर गया, तो हम आप लोगों के लिए भी लड़ेंगे, और VC से हम लोग आंदोलन करके ये मांग रखेंगे कि आप लोगों को जो है रिजल्ट, जो है आप लोग के रिजल्ट को सुधार किया जाए, आप लोग को पास किया जाए, पास कराया जाए, बगैर एग्जाम लिए ही आप लोग के रिजल्ट को सुधारा जाए और पास कराया जाए। क्योंकि ये गलती यूनिवर्सिटी की है, आपकी गलती नहीं थी। तो इसलिए जो 17-20 सेशन की है अरविंद महिला कॉलेज की छात्राएं, वो लोग भी फ़ोन करके हमें बताइए, और जो भी मगध यूनिवर्सिटी के जितने भी छात्र छात्राएं हैं जो सेशन लेट से प्रभावित हैं, आप सभी हमें फ़ोन करके बताइए, ताकि हम आपके लिए जल्द से जल्द आंदोलन की तिथि की घोषणा कर सके और एक बड़ा छात्र आंदोलन कर सके। और जैसे ही एक बड़ा छात्र आंदोलन होगा, तो आप यकीन मानिए कि आपका जो पेंडिंग रिजल्ट है वो प्रकाशित हो जाएगा, जिनका सेशन लेट चल रहा है सेशन सुधर जाएगा, जिनका रिजल्ट पेंडिंग है उनका रिजल्ट सुधार हो जाएगा। बस आप लोग साथ दीजिए, क्योंकि आपकी संख्या कम नहीं है, 3.5 से 4 लाख स्टूडेंट्स है, चाहे आप ग्रेजुएशन के हो या PG के हो, दोनों का सेशन सुधरना चाहिए। तो हम दोनों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, ग्रेजुएशन और PG दोनों के लिए, और हर सेशन के लिए, जिस सेशन का भी सेशन लेट चल रहा है या पेंडिंग है रिजल्ट, उन सब के लिए हम लोग लड़ रहे हैं, चाहे वो ग्रेजुएशन हो और PG। तो आप लोग साथ दीजिए, जितने भी मगध यूनिवर्सिटी के छात्र छात्राएं हैं, आप लोग जितनी जल्द फ़ोन करके हमें बताइएगा, हमारे पास एक संख्या हो जाएगा, हम तुरंत आंदोलन की तिथि की घोषणा कर देंगे, और बहुत जल्द मगध यूनिवर्सिटी में सेशन सुधारने के लिए, पेंडिंग रिजल्ट जारी करने, और जो परीक्षा नहीं हुई है उस परीक्षा को आयोजित करवाने के लिए हम लोग एक बड़ा आंदोलन करेंगे। तो आप लोग फ़ोन करके हमें जल्द से जल्द बताइए। धन्यवाद। जय हिंद।